दोस्तों तूफान ज्यादा होता है तो कश्तियां डूब जाती हैं और अहंकार ज्यादा होता है तो हस्तियां डूब जाती हैं। इसलिए जीवन में कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, चाहे पैसे का हो या शिक्षा का हो। आप जितने हल्के रहेंगे उतना ऊंचा उड़ पाएंगे, इसलिए अपने आप को हल्का रखें और ऊंचे उड़ते रहिए। दोस्तों कल मैंने आपको पढ़ाया था एशिया महाद्वीप के बारे में, आज एशिया महाद्वीप का पार्ट दो है। कल हमने पढ़ा था एशिया के उत्तरी दक्षिणी पूर्वी पश्चिमी देश, और पढ़ा था कौन सा देश क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा सबसे छोटा देश, और बहुत सी चीज़ें पढ़ी थी। आज कुछ प्रश्न रह गए थे जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए एशिया के स्थलरुद्ध देश, स्थलरुद्ध का मतलब क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। स्थलरुद्ध का मतलब कि उस देश की सीमा किसी भी महासागर से नहीं लगती है। स्थलरुद्ध का मतलब जैसे हमारा भारत है, तो भारत एक स्थलरुद्ध देश नहीं है क्योंकि इसकी सीमा हिंद महासागर से लगती है। वह देश जिसकी सीमा किसी महासागर से ना लगती हो उसे स्थलरुद्ध देश कहते हैं। जैसे दो देशों के बीच में एक देश जिसकी सीमा जलीय सीमा वो देश ना बनाता हो। नदियों की बात अलग होती है, नदियां तो हर देश के अंदर रहती ही हैं, लेकिन जो देश किसी महासागर से सीमा ना बनाए उसे स्थलरुद्ध देश कहते हैं। दोस्तों ऐसे के स्थलरुद्ध देश 10 हैं। एक ट्रिक है, देश कौन कौन से, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, लाओस, मंगोलिया। देखिए पांच देश याद करने के लिए एक ट्रिक है कट्टू। देखिए डबल के डबल टी यू है, लेकिन आप इसको याद करने के लिए कट्टू समझिए। है तो रियल में कट्टू नहीं लिखा हुआ है, ये कट्टू लिखा हुआ है, लेकिन कट्टू समझिए। डबल के डबल टी यू, इसका मतलब कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। पांच देश आपको बिल्कुल आसानी से याद हो गए, कौन कौन से, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कट्टू, दो के दो आर टी यू, कौन कौन से, एक बार फिर से रिपीट करिए, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, और ये नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, लाओस, मंगोलिया। पांच देश कट्टू, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, लाओस, मंगोलिया। दोस्तों 10 देश ऐसे हैं जो किसी भी महासागर से सीमा नहीं बनाते हैं। बाकी एशिया के जितने भी देश हैं वो किसी न किसी महासागर से सीमा अवश्य बनाते हैं, जलीय सीमा बनाते हैं। 10 देश हैं केवल ऐसे जो किसी महासागर से सीमा नहीं बनाते हैं। एशिया में सबसे ज़्यादा देशों से सीमा बनाने वाले देश, एशिया में सबसे ज्यादा देशों से सीमा बनाने वाले देश दोस्तों दो हैं, रूस और चीन। रूस और चीन ऐसे दो देश हैं जो सबसे ज्यादा देशों के साथ सीमा बनाते हैं। चीन भी दोस्तों 14 देशों के साथ सीमा बनाता है और रूस भी 14 देशों के साथ सीमा बनाता है। दो ही देश ऐसे हैं एशिया में जो सबसे ज्यादा देशों के साथ सीमा बनाते हैं, रूस और चीन, दोनों 14 देशों के साथ सीमा बनाते हैं। एशिया को उत्तरी अमेरिका से कौन अलग करता है दोस्तों, बेरिंग जल संधि। एशिया आप देखेंगे कि एशिया के बहुत दूर है उत्तरी अमेरिका, आप सोचेंगे कि ये सीमा कैसे बनाता होगा, कैसे अलग होता होगा, लेकिन जब आपने ग्लोब देखा होगा, ग्लोब देखिए, मानचित्र में एशिया इस तरफ पूर्वी तरफ और आपको उत्तरी अमेरिका पश्चिमी तरफ दिखेगा, लेकिन आप जरा ध्यान से सोचिए, पृथ्वी गोल है, अगर इसी मैप को मोड़ दिया जाए, गोल कर दिया जाए, तो यही एशिया जाके उत्तरी अमेरिका से लगा हुआ है। मतलब एक समुद्री सीमा के तहत अलग होता है जिसको कहते हैं बेरिंग जल संधि। ऐसे इस तरफ एशिया है और ऐसे इस तरह एक बेरिंग जल संधि है, बेरिंग जल संधि से दोनों एशिया और उत्तरी अमेरिका अलग होते हैं आपस में। ग्लोब आपने देखा होगा, ग्लोब पृथ्वी का ही एक रूप है, पृथ्वी को बहुत बारीक से समझने के लिए ग्लोब बनाया गया है। आप लोगों ने अपने विद्यालय में देखा होगा ग्लोब, ग्लोब में आप देखिए तो एशिया और उत्तरी अमेरिका दोनों मिले हुए हैं और एक छोटी सी जल संधि के माध्यम से दोनों आपस में अलग होते हैं। जल संधि का नाम है दोस्तों बेरिंग जल संधि। और कुछ प्रश्न हैं, चलिए देखते हैं और कुछ प्रश्न एशिया के बारे में। दोस्तों एशिया में एक दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है।
दक्षिण पूर्वी एशियाई देश ये हैं, भारत के पूर्व में, भारत के इधर पूर्व और चाइना के दक्षिण, चीन के दक्षिण में या भारत के पूर्व में जो देश हैं इनको दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कहते हैं। इन्होंने मिलकर के अपना एक संगठन बनाया है, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन जिसका नाम है आसियान। आसियान की कभी कभी आसियान का फुल फॉर्म पूछा जाता है, आसियान की स्पेलिंग है ASEAN, आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। क्या है आप लोग लिख लीजिए, एशिया आसियान का फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। दोस्तों इसमें कुल 10 देश हैं, इसमें इस संगठन के अंतर्गत 10 देश हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है, जकार्ता। जकार्ता कहाँ है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। इसका मुख्यालय है जो वह जकार्ता में है इंडोनेशिया के। इसमें 10 देश हैं। स्थापना इसकी हुई थी दोस्तों 1967 में इस संगठन की स्थापना हुई थी। इन्होंने किया था, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों ने मिलकर किया था। कुल 10 देश हैं इसमें वर्तमान में, कौन कौन से, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस। देखिए दोस्तों याद करने की ट्रिक है, मैथ लव कम सही बीएफ बॉयफ्रेंड, बीएफ का फुल फॉर्म मैथ लव कम सही बॉयफ्रेंड। ये आपको आसियान के देश चुटकियों में याद हो जाएंगे। आसियान में 10 देश है, देखिए यम से म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, ही से दोस्तों इंडोनेशिया आप समझ लीजिए, ही ई इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, एफ से फिलीपींस। देखिए म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, 10 देश हैं। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन जिसका नाम आसियान, इसकी स्थापना 1967 में हुई, इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है, इसमें कुल 10 देश हैं, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस। इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। दोस्तों एक संगठन और है सार्क, उसके बारे में हम समझते हैं। दोस्तों एक संगठन और है जिसका नाम है सार्क। सार्क और आसियान बहुत ही परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देखिए सार्क को हिंदी में कहते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, दक्षेस या दक्षेस दिया हो। देखिए सार्क में जैसे सार्क कहते हैं उसी तरह हिंदी में दक्षेस कहते हैं। दोस्तों दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसका फुल फॉर्म होता है सार्क का, स्पेलिंग होती है SAARC, SAARC, फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। क्या कहते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। कुल देश दोस्तों इसमें 8 हैं, सार्क में कुल 8 देश हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1985, कहाँ हुई थी, काठमांडू। काठमांडू कहाँ है दोस्तों, काठमांडू नेपाल की राजधानी है। जैसे आपने अभी आसियान में, आसियान का मुख्यालय कहाँ था, जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी। इसकी स्थापना हुई 1985, उसकी स्थापना हुई थी 1967, उसमें कुल 10 देश थे, इसमें कुल 8 देश हैं। कौन कौन से 8 देश हैं दोस्तों, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। 8 देश कौन कौन से हैं एक बार फिर से पढ़िए, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। देखिए आज आपको कुल 18 देश याद हो जाने चाहिए, कौन कौन से, 8 देश आपको सार्क के और 10 देश आसियान के, 10, 8, 18 देश आपको बिल्कुल रट लेना चाहिए। देखिए एक बार रटिए, सार्क के, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। इसके बाद आसियान के जैसे शुरू हैं म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस।
10, 8, 18 देश आपको दोस्तों याद हो गए। एशिया के हमने महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ लिए, अब हम एशिया की नदियां, एक दिन एशिया के पर्वत पठार पढ़ेंगे। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों को शेयर करिए, और आप पढ़ते रहिए। दोस्तों शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसके बल पर पूरी दुनिया को जीता जा सकता है। आप लोग बहुत मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, निरंतर मेरे साथ जुड़े रहिए। दोस्तों मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।